पंडित जी, अब हम रुख करते हैं गुजरात का। वहां पर 9 दिसंबर को इलेक्शन का फर्स्ट फेज होने जा रहा है, तो क्या कहेंगे, मतलब इस इलेक्शन में ये जो फर्स्ट फेज है इसमें किस पार्टी को फायदा होता दिखाई दे रहा है? देखिए, दो बातें ध्यान से सुनिए। जी जी, हम पहले से इस पर मतलब हमारी नजरें बनी हुई हैं। बिल्कुल जी, बहुत से लोगों का कुछ लोगों की जो प्रतिक्रिया है जी, वो अच्छी भी आई और कुछ लोगों की बुरी भी आई। जी बिल्कुल, मगर मैं पहले से ही आई एम स्टिकिंग टू माई प्रिडिक्शन। देखिए, मैं गलत होता हूँ तो गलत हो जाऊंगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी पहले दिन, पहली जो पहला इलेक्शन है 9 तारीख को आपने बोला, उसमें किसको फायदा होगा? ऑन द होल जो फायदा होता हुआ दिखाई देता है वो किसी को भी बड़ा फायदा होता हुआ नहीं दिखाई देता। मैं बिल्कुल, फायदा बटा हुआ है, ऐसे फायदा कह सकते हैं। बिल्कुल फायदा बटा हुआ है। और इसमें एक बात ध्यान रखें कि उस भारतीय जनता पार्टी को जीएसटी के बाद में 5-10% जो जीएसटी में इन्होंने कुछ सहूलियत लाई है, उसके बाद में 5-10% का फायदा मिलेगा। मगर इस वक्त की जो प्रोजेक्शन है मीडिया में है या सट्टा बाजार में है, उसके साथ मैं कतई सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी को डेफिनेटली अपने पुराने आंकड़े से कम 20-25% लॉस होता हुआ आपको दिखाई देगा। और इस वक्त अगर आपने जो सवाल किया है वहां पर देखिए, आगे यूपी का भी जो रिजल्ट आया है उसको भी प्रॉपरली अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो वहां पे इंडिपेंडेंट सबसे ज्यादा आए हैं। सिर्फ अर्बन इकाई में भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें जी, मिली हैं। उस पर भी हमें बात करनी है पंडित। अच्छा, उस पर भी अपन मगर आज के दिन की परिस्थिति देखी जाए, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का अध्ययन किया जाए, नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली का अध्ययन किया जाए, अमित शाह साहब की बॉडी लैंग्वेज देखी जाए, उसके बाद में जीतू वगानी की कुंडली देखी जाए, विजय रूपानी जो चीफ मिनिस्टर है वहां के उनकी कुंडली का अध्ययन किया जाए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाए, तो मित्रों एक बात पक्की है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सरकार अगर बनानी भी है तो डेफिनेटली उनको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है जो आज मीडिया में या प्रोजेक्शन दिखाई जा रही है कि 125 सीटें ले जाएंगे, 140 सीटें ले जाएंगे, कहीं ना कहीं वो आधी सीटें ले जाने में भी अगर कामयाब रहते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी जीत होगी। इतना ही मैं तो कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस को अन्य पार्टियां और अंदर खाते से जो सपोर्ट मिल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी को हानि होती हुई दिखाई देती जी, है जी। भारत, मैंने पहले भी बोला, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है मगर उनको अन्य पार्टियों का सहारा लेना पड़ेगा। जी, जी। यहां पर हार्दिक पटेल, आपने देखा नरेंद्र मोदी साहब की बॉडी लैंग्वेज देखिए, डेफिनेटली उनके जैसे राष्ट्र के नेता बहुत कम पैदा हुए हैं। उन्होंने जिस तरह से राष्ट्र की गरिमा को बढ़ाया है उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उनको शत शत प्रणाम करता हूं। मगर कहते हैं नियति अपना काम करती जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने देखा होगा कि जिस तरह मीडिया में 2 साल पहले राहुल जी की खल्ली उड़ाई जाती थी, इस वक्त किसकी उड़ाई जाती जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कहीं भी किसी भी तरह से किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूं, मगर डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो उनको अपने आधे आंकड़ों से ऊपर जाना पड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं जिसमें कोई कहीं ना कहीं बहुत सी मुश्किलों का सामना आता हुआ दिखाई देता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। राहुल गांधी चाहे सोमनाथ के मंदिर में किस तरह किस रजिस्टर में साइन करते हैं और उस चीज को उड़ाया जाता है। धर्म तो एक व्यक्तिगत धारणा है जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आज मैं कहां जाता हूं, मुझे मेरी एक अपनी एक व्यक्तिगत इच्छा है उस, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध भी जा सकती है। बिल्कुल, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कहीं ना कहीं जो मुझे, मैं विश्लेषण आज 30 साल से पॉलिटिकल पार्टीज का करते आया हूं, नरेंद्र मोदी साहब को 330 सीटें प्रेडिक्ट की गई की थी इसी मंच के माध्यम से। बिहार में 60 से ज्यादा सीटें नहीं आई थी, उत्तर प्रदेश में क्या होगा वो भी, वो उसमें मैं गलत हुआ जी। और डेफिनेटली यहाँ पर जो वातावरण है जी, जी। वो बहुत बड़ा कशमकश है, बहुत बड़ा महाभारत का युद्ध है, इट इज नॉट ईजी। और अंदर खाते से आज जो मीडिया में आप देख रहे हैं, अंदर खाते से जिस तरह का वातावरण बना हुआ है उसमें राहुल गांधी जो है वहां पर डेरा लगाकर बैठे हुए हैं, हर कदम के ऊपर वो
अपनी अपना परिश्रम अपनी मेहनत जी बिल्कुल वो दिखती है मेहनत पंडित जी। और आप पहले से कहते आ रहे हैं कि यहाँ पर कांटे की टक्कर देनी होगी, बिल्कुल कांटे की टक्कर होगी, वो चाहे हार्दिक पटेल हो या फिर राहुल गांधी हो, उनके सामने खड़े हैं, डट के खड़े हैं, तो इसलिए जी बिल्कुल। और गोवा में तो भारतीय जनता पार्टी ने 13 या 14 सीट लेकर सरकार बना ली थी, यहाँ पर अगर इनको आधे भी मिल जाते हैं या उससे 10 भी कम मिल जाते हैं तो उनके उन्होंने सरकार बना सकते हैं, उसमें कोई दो राय, पर डेफिनेटली कांग्रेस को 20 से 25% की बढ़त मुझे पिछले इलेक्शनों से दिखाई देती जी बिल्कुल।